कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर लहसुन की चटनी। तो चलिए हम जानते हैं कि इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। 2 बड़ा टमाटर, 1 इंच अदरक, 12-13 लहसुन की कलियां, 5 सूखी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच लेमन जूस। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम सभी को पीस लेते हैं। एक जार लेंगे, इसमें हम सभी को डालेंगे। टमाटर डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, नमक डाल देंगे, लेमन जूस डाल देंगे। अब इसका हम ढक्कन लगाकर पीस लेंगे। देखिए चटनी अच्छी तरह से पीस चुकी है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसे हम धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि चटनी का कच्चापन दूर हो जाए और इससे चटनी की टेस्ट भी अच्छी हो जाएगी। अब इसे हम गैस पर चढ़ाते हैं और धीमी आंच पर इसे हम पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे हम पकाएंगे, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। चार मिनट हो चुके हैं तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो देखिए चटनी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छा हो गया है। हमारी चटनी और भी लाल हो गई है। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। चटनी ठंडी हो चुकी है, इसे हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब ये खाने के लिए तैयार है। इसे आप मोमोज या बिरयानी के साथ खा सकते हैं, इससे उसकी टेस्ट और भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।